इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर जैसे ही प्लेन उतरा तो विनीता का चेहरा खुशियों से झिलमिलाने लगा। अपना सामान चेक कराकर उसने आसपास की भीड़ में से सुनील को तलाशने की कोशिश की, पर उसे कहीं भी सुनील का चेहरा नजर नहीं आया। शायद सुनील थोड़ी देर बाद आ जाए, कहीं वो ट्रैफिक जाम के चक्कर में फंस गया हो, सोचकर विनीता ने अपने आप को तसल्ली देनी चाहिए। अभी वह सामने की बेंच पर बैठने वाली ही थी कि उसे अपने बाएं कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो अपने सामने अपनी बचपन की खास सहेली कविता को खड़े पाया। अरे कविता, तू यहाँ? विनीता उससे लिपट गई। घर तो चल, वही सारा प्यार दर्शाना, कहकर कविता ने विनीता की चुप्पी। तू बिल्कुल नहीं बदली कविता, शादी न करती कुछ लग रही है, पहले की तरह तेरी जिंदा दिली बरकरार, कहकर विनीता मुस्कुरा दी। शादी तो बूढ़ का लड्डू है माय डियर, अब चल बाकी की सारी बातें घर पर करना। कहती कविता ने विनीता के पास रखे बड़े बड़े दो बैगों की तरफ झांका। विनीता उसकी उतावली देखकर हंस पड़ी। पहले सुनील भैया को तो आने दे, मालूम है सुनील से पूरे 20 सालों बाद मैं मिल रही हूँ, क्या पता वो मुझे पहचान पाएगा कि नहीं। तेरे भैया नहीं आएंगे विनीता, तभी तो मैं तुझे लेने आई हूँ, कहकर कविता ने विनीता को दोनों बैगों को उठा लिया। क्या? विनीता का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ विनीता, परसों सुनील भैया मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझे तुझे लेने के लिए एयरपोर्ट में भेजा है, कहकर कविता ने विनीता को अपने साथ चलने का इशारा किया। लेकिन मैंने तो अजय को भी लेटर लिखा था, नीना और उसके पति भी तो मुझे लेने आ सकते थे, कहती विनीता उदास होती। लगता है मेरा आना तुझे अच्छा नहीं लगा, कहकर कविता विनीता को लेकर फुर्ती से टैक्सी स्टैंड की तरफ चल पड़ी। अरे विनीता, तुझे तो मालूम होगा तेरे सुनील भैया ने नए सिरे से 2 मंजिला मकान बनवा लिया, कविता ने सामने आती टैक्सी को रुकने का इशारा किया। टैक्सी के रुकते ही वे दोनों उसमें बैठ गए। जैसे ही टैक्सी स्टार्ट हुई तो कविता ने विनीता को उधाना देते हुए कहा, आखिर मेरा तो दम ही निकल गया, क्या इधर ही परमानेंट सेटल होने का इरादा है? अरे आई तो मैं ऐसे ही विचार से हूँ, अब आधी से ज्यादा चीजें तो ला ही नहीं पाई, अब पूरे 20 सालों के बाद भाई बहनों से मिल रही हूँ। नीना की शादी में आने का मेरा बहुत मन था, लेकिन अम्मा जी ने, विनीता ने जानबूझकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। तेरी अम्मा जी ने तुझे यहाँ आने से मना क्यों कर दिया था, तुझे इस बात का कुछ पता है? कविता ने प्रश्नवाचक दृष्टि से विनीता को देखते हुए कहा। उसे खामोश पाकर वह स्वयं बोल उठी, क्योंकि तेरे दोनों भाई ये नहीं चाहते थे कि नीना की शादी में तूने जो रुपए भेजे हैं उसका किसी को भी पता चले, अगर तू यहाँ आती तो यह बात जरूर खुलती, इसलिए तुझे ही ब्लैकमेल कर दिया गया। क्या? विनीता इतना भयंकर रहस्य उद्घाटन सुनकर सिहर उठी। और सुन, सुनील और अनिल की शादी में मुझे भी इसीलिए बुलाया गया था ताकि पूरे पैसों से उनके हायर एजुकेशन का राज किसी पर न हो। दरअसल मुझे लगता है तेरी शादी एक NRI से करने के पीछे ही तेरे मायके वालों का स्वार्थ छिपा था, कविता उत्तेजित होकर अपने मन का सारा गुबार निकाल चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, छोड़ ये सब बातें, शादी के बाद पति ही अपना होता है, तू जीजू की बात सुना, वैसे कैसे कट रही तुम दोनों में? भाप रे भाप, बिना पूछे चैन नहीं आता तुझे, ले सुन पर किसी को बताना नहीं, कहकर विनीता ने अपनी नम आंखें पोंछ ली। फिर धीमे स्वर में कहने लगी, जब मुझे माँ से पता चला कि मेरी शादी लंदन में हो रही है तो मैं बहुत घबराई, लेकिन माँ ने मुझे समझाया, पागल लड़की, लंदन बहुत दूर थोड़ी है, यहाँ किसी आम आदमी की पत्नी बनने के लिए अपने बाप के लाखों रुपए खर्च करवाएगी, लड़कों की तलाश में बाप की जूतियां घिसवाएगी, अखिल के माँ बाप तो बिना दान दहेज तुझे अपना रहे, वैसे तेरे जैसे खूबसूरत और घरेलू लड़कियों की उनके लिए कोई कमी तो है नहीं, तू परदेश जाएगी तभी तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ कर पाएगी पगली। माँ के समझाने बुझाने पर ही मैंने इस विवाह के लिए हामी भर दी थी। विवाह के कुछ वर्षों ही बाद मुझे पता चल गया था कि अखिल को लीवर की लाइलाज बीमारी थी। जब वे लंदन में नौकरी करने गए तो वहाँ की फास्ट लाइफ के साथ तालमेल बिठाने के चक्कर में उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। ऐसे में उनके माता पिता को एक ही रास्ता सूझा, उनकी फटाफट शादी। तो विनीता, हमें भी तुझसे बहुत जलन हुई थी, परंतु बाद में हर महीने जब तेरे मनी ऑर्डर आने लगी और तेरे मायके वालों का कायाकल्प होने लगा तो हमें बड़ी हैरानी हुई, कविता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कविता की बात अनसुनी करते विनीता बोलती ही गई, घर में रुपए न बेचती तो और क्या करती,
माँ हर छुट्टी में बीमार बाबूजी और तीन छोटे भाई बहनों की दुहाई देती रहती। अखिल की एक अच्छी आदत थी, उन्होंने कभी मुझे मायके वालों की मदद करने से रोका नहीं, वरना शादी के बाद ही मुझे पता चल गया था कि। बता क्या पता चला था, बता ना। कविता पूरी बात सुनने के लिए उतावली हो गई। अरे पगली, 20 वर्षों का लेखा जोखा 20 सेकंड में ही जान लेना चाहती है, कहकर विनीता ने नजरें झुकाकर फुसफुसाते हुए कहा। जब शादी के 5 साल बाद भी हमारी कोई संतान नहीं हुई तो मैंने अखिल पर दबाव डाला और डॉक्टर के पास जाने की जिद की। पहले तो अखिल टाल मटोल करने लगे, मुझे उनकी बेफिक्री पर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन जब मैंने अपना चेकअप कराया तो मेरे सारे टेस्ट पॉजिटिव आए, तो मुझे अखिल की आनाकानी का राज समझ में आ गया। तो फिर तूने मायके क्यों नहीं लौटाई, क्यों तलाक नहीं ले लिया अखिल से, आवश्यक होकर कविता कह उठी। तो फिर किस किस को सफाई देती, फिर क्या करती, तलाक लेती कहाँ जाती, किसके आश्रय तलाक लेती। मानवीय दृष्टि से सोच, क्या अखिल को वैसी हालत में छोड़ देना उचित होता, बच्चे होने से क्या सारी समस्याएं सुलझ जाती है। विनीता ने प्रश्नवाचक निगाहें कविता के चेहरे पर गड़ा दी। कविता उन निगाहों में छुपे भावों को पकड़ने की कोशिश करने में असफल महसूस करने लगी। थक हार कर कुछ मिनट बाद ठहर कर कविता ने हल्के से विनीता की बाई कले को छूते हुए कहा, विनीता तेरे सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिलहाल एक दोस्त होने के नाते मैं इतना ही कहूंगी, अगर इधर आना हो तो निसंकोच आ जाना, मेरा घर हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा। विनीता हल्के से मुस्कुराई और बोली, अरे पगली, मैं तो हमेशा ही यहाँ बसने के लिए आई हूँ, उनकी मृत्यु के पश्चात मैं जाऊंगी भी कहाँ, जब तक वो जिए हमने एक दूसरे के दुख सुख में साथ दिए, अब वो ही नहीं रहे तो इसी धरती में पड़े रहने का मेरा बिल्कुल मन नहीं, बस सारी संपत्ति बेच बाज कर जो भाई रखेगा उसके पास रह जाऊंगी और क्या। कविता को विनीता की नादानी पर हंसी आ गई, वो किसी तरह अपने आप को सीमित करके बोली, देख याद रखना भावुकता में आकर किसी से कोई वादा कर मत बैठना, बाकी तो खुद समझदार है। टैक्सी जैसी अखिल के घर के सामने पहुंची, विनीता ने चैन की सांस ली। टैक्सी का भाड़ा चुकाकर उसने घर की घंटी बजाई तो एक कोड़ा ने दरवाजा खोल दिया। कविता ने उसका परिचय देते हुए कहा, देख विनीता, यह पारू भाई है, कई सालों से यही काम कर रही है। पारू भाई भैया कहाँ है, कहीं बाहर गए हैं क्या, कहकर विनीता ने इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाई। पारू भाई फुसफुसाकर बोली, वो तो मेरे सामने वाले कमरे में, अच्छा मैं मिलकर आती हूँ, कहकर विनीता कुर्ती से अखिल के कमरे की तरफ बढ़ गई, लेकिन अंदर से आती हुई आवाजों ने उसके पाँव में मानो बेड़िया डाल दी। तभी अखिल का दबा हुआ स्वर सुनाई दिया, दीदी आएंगी तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें डायरेक्ट ना भी तो नहीं कह सकते, आखिर उनके पैसों से ही तो हमने ये दुमंजिला मकान बनवाया है, फिर आजकल तो बेटियों को भी जायदाद में हिस्सा मिलने लगा, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, ऐसे वक्त में तुम्हारा दिमाग तो काम ही नहीं करता, मैं हूँ ना सारा ठेका ले रखा है। अखिल की पत्नी का झल्लैसा स्वर उसके कानों में गूंज उठा। अपने देश में अपनों के बीच बचने की आकांक्षा पर इस कदर तुषाराघात हो जाएगा, ये तो उसकी उम्मीद से भी परे था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला, फिर मरे मरे कदमों से कविता के पास आ खड़ी हुई। उसका उतरा चेहरा देखकर कविता को कुछ अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पारूबाई को सुनील को बुला लाने को कहा। चंद ही क्षणों में सुनील का सुस्ताएवा प्रकट हो गया। कविता को देखते हुए सुनील विनीता की तरफ मुखातिब हुआ, क्या करूं दीदी, कल आधी रात को फ्लाइट से लौटा हूँ, पूरा बदन टूट रहा है, आपका रिसीव करने नहीं पहुंचा, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं भैया, तुम प्लेन से कब आने लगे, कोई अर्जेंट काम था क्या, न चाहते हुए विनीता के मुंह से निकल पड़ा। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर सुनील खिसिया कर बोला, अब आ ही गई हो तो 4 दिन यही ठहर कर रह जाना, बेकार में आगरा जाकर अनिल से मिलने से कोई फायदा नहीं, ठीक है यही ठहर जाऊंगी, पर एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए ठहर जाऊं, पागल हो गई क्या दीदी, कल हमारे भी बच्चे बड़े होंगे, उनके लिए भी अलग अलग कमरे चाहिए, कहते हुए सुनील की पत्नी वीणा ने कमरे में प्रवेश किया। कविता की तरफ कड़ी निगाह करके वीणा बड़बड़ाने लगी, विनीता दीदी को रिसीव करने का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कभी आइएगा घर, अभी तो। कविता हतप्रभ रह गई, अपमानित होने की पीड़ा उसके चेहरे पर खींची गई, लेकिन भोले से बोली, अच्छा अब मैं चलूं। उसके उठते ही मीना तेज में आकर बोलने लगी, देखिए हमारे यहाँ खुद ही जगह की कमी है, आपको ठहराए कहाँ, बेहतर होगा आप वापस लंदन चली जाएं। विनीता को मन ही मन हंसी छूट गई, परंतु अपने आप को सम्मित करके वह बोली, अच्छा कोई बात नहीं भाभी, मैंने उनसे बात करके देखती, जैसे आपकी मर्जी, वैसे अनिल पहले वाला अनिल तो रहा नहीं। कहती हुई
वीणा कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही विनीता ने अनिल को फोन किया तो अनिल की आवाज सुनाई दी। कौन विनीता दीदी, कब आई हो? अच्छा, तुमने मेरे लिए लंदन जाने का प्रबंध तो कर दिया, लेकिन अनिल तुम रहोगी कहाँ? विनीता ने पूछा तो अनिल का झल्लाया सा स्वर गूंज उठा। कमाल करती हो, तुम्हारा घर रहते हो भला मैं और कहाँ रहूंगा, लेकिन आजकल वहाँ नौकरी मिलना इतना आसान थोड़ी है। फिर हमारा फ्लैट तो कंपनी का था, आजकल तो मैं किराए के फ्लैट में शेयर करके रह रही हूँ, विनीता ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। तो अनिल फिर झल्ला कर बोला, नौकरी मिलना तो तुम्हारे हाथ में है दीदी, लेकिन तुम चाहो तब ना। अनिल, मैं तुम्हारे घर ही आ रही हूँ, शायद हमेशा के लिए बच जाऊँ, परदेश में उनके जाने के बाद अब मेरे लिए वहाँ रखा ही क्या, विनीता ने अपना विचार बताया। कमाल है, लोग तो सब कुछ बेच बाज कर विदेश सेटल होते हैं, मेरा खुद का किराए का मकान इतना छोटा है और सुनील भैया तो बिना केस दिए दिल्ली के वाले मकान में अपना हिस्सा देने वाले लगते नहीं। तुम ही उन्हें कुछ समझाओ, आखिर मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ, मेरा भी तो उस मकान में कुछ हक है। खैर कुछ देर बाद मैं टूर पर निकल रहा हूँ, बाद में मैं तुम्हें फोन करूंगा, कहकर अनिल ने फोन रख दिया। विनीता हक्की बक्की सी खड़ी रह गई, उसे सारी दुनिया घूमती नजर आने लगी। कहाँ तो वो अपनों के पास बसने की तमन्ना लेकर भारत आई थी, अपनों के अरमान पूरे करने के लिए उसने कभी भी अपने लिए फ्लैट खरीदने का सोचा भी नहीं था, लेकिन भाइयों की स्वार्थी प्रवृत्ति का इतनी जल्दी पर्दाफाश होते देखो वो अचकचा गई। इतनी देर तक उनमें से किसी ने दो मीठे बोल भी नहीं बोले, लेकिन जब जरूरत थी लंबे लंबे पत्र लिखने में किसी को आलस नहीं आता था। कुछ देर बाद जब उसे चैतन्य हुआ तो उसने भी अपने मकान में अपना हिस्सा कानूनी तौर पर लेने का निर्णय किया। फिर कुछ दिन कविता के घर रहने का सोच उसने पारूबाई को टैक्सी लाने के लिए भेज दिया। विनीता को यूं जाता देख सुनील जल्दी से बोला, विनीता दी बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम आगरा जा ही रही हो तो अनिल को समझाना, जरा से मकान के हिस्से के लिए बड़े भाई से लड़ना झगड़ना ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे। विनीता ने सुनील की बात अनसुनी करते हुए दोनों भारी बैग उठाए और कमरे के बाहर चलती बनी। बैगों में सामान भरकर जिनके लिए वह लाई थी उनके चेहरे से उतरे हुए नकाब देखकर उसे वहां एक पल भी ठहरना दुश्वार हो रहा था। ये कहानी पढ़ के अगर आप लोग अपने कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग जन सरोकार मंच को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।